couple of examples and important points. My dear friend, this is extremely important. Okay, very fundamental, very मजेदार, very मतलब important. I don't have a language for it. You know, f of t into del of t. Sir, f of 0 into del of t, sir. हाँ, correct. But f of 0. But if you are convoluting this to del of t, you know what will the answer will come? नहीं सर नहीं पता, चलो निकालते हैं. देखो f of t del of t. So I can write down f of tau del of t minus tau. हाँ सर लिख सकते हैं d tau इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. हाँ सर लिख सकते हैं. रिमेंबर अ प्रॉपर्टी ऑफ टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ डेल्टा फंक्शन क्या कहता है? सर डेल ऑफ माइनस टी इक्वल्स टू डेल ऑफ टी. सर कोई फर्क नहीं पड़ता. एब्सोल्युटली. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस आई कैन ऑल्सो राइट डेल ऑफ टाउ माइनस टी बिंदासली. हाँ सर लिख सकते हैं, सर मस्त से लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम सर. हाँ अभी उस पर एफ ऑफ टाउ मल्टीप्लाई करवाओ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. नाउ व्हाट यू आर सीइंग सर एफ ऑफ टाउ डेल ऑफ टाउ माइनस सम कांस्टेंट इनटू डी टाउ. सर हाँ ये ऐसा फॉर्मेट में है ना. लिसन एफ ऑफ टी डेल ऑफ टी माइनस ए डी टी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. हम इसे भी लिख सकते हैं ना? नहीं, हम लिखने की बात नहीं है, ये ऐसे फॉर्मेट में है ना. हाँ सर ऐसे ही फॉर्मेट में है सर. टी टाओ इंस्टेड ऑफ टी आई एम पुटिंग आउट कांस्टेंट वैल्यू एंड डी टाओ की जगह टाओ पे जगह पे टी पे टाओ पे जगह पे. सो ये यही फॉर्मेट में है ना? हाँ सर यही फॉर्मेट में है. सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस फॉर्मेट? सर एफ ऑफ टी इंटू डेल ऑफ टी माइनस टाओ विल बी एफ ऑफ ए इंटू डेल ऑफ टी माइनस ए इंटू डी टी. इनका इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ये 1 हो जाएगा. सर आंसर आ जाएगा एफ ऑफ ए. सर एफ ऑफ ए सर यहाँ पे सो ये क्या हो जाएगा? वैसे ही ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ टाओ विल बी एफ ऑफ टी डेल ऑफ टाओ माइनस टी डी टाओ. इसका इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी सो इस विल बी 1. सो आंसर यू विल गेट एफ ऑफ टी ओनली. क्या सर इतना बड़ा नौटंकी हुआ और ये आंसर वही निकल आया? हाँ बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है सर. हाँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. सो प्लीज़ रिमेंबर वेन एवर यू आर मल्टीप्लाइंग एनी फंक्शन विथ डेल टी इट विल बी डिफाइंड एट 0 इनटू डेल टी. बट वेन एवर यू आर डूइंग कन्वल्यूशन विथ डेल टी यू विल गेट द सेम फंक्शन बैक. क्लियर? सो द आंसर विल बी सेम फंक्शन. Very important. Now I'm moving for this third question. Look here. So let's do the third question here. F of tau minus a. Look here. Tau minus a into del of t minus tau minus a. हाँ सर डी टाओ. हाँ सर का इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. हाँ सर टी के जगह पे टी माइनस टाओ टाओ माइनस ए टाओ माइनस टी के जगह पे टाओ. सो एक्स ऑफ टाओ इंटू एक्स ऑफ टी माइनस टाओ डी टाओ का इंटीग्रेशन. सर हाँ सर समझ गया सर. So if you solve this question you can write down this thing as del of minus of tau of plus t minus a. हाँ सर टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी डेल ऑफ माइनस टी इज इक्वल्स टू मैं वो नहीं कर रहा हूँ रे. मैं सिंपल इसको लिखा है, इसको खाली उसी को तोड़ मरोड़ के लिखा है. ओ हाँ सर. अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस टाओ प्लस टी माइनस ए. एक ब्रैकेट देके ऐसे लिख सकते हैं. हाँ सर लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं. ब्रैकेट तो कहीं पे भी दे सकते हैं. अभी मैं इससे माइनस कॉमन निकाल सकता हूँ. बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, क्यों नहीं निकाल सकते हैं? देखिए सर निकाल के दिखाता हूँ मैं. ये देखिए टी हो गया माइनस टी माइनस ए हो गया. सर निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं. सो डेल ऑफ माइनस ऑफ समथिंग ये हो गया डेल ऑफ माइनस टी उस तरीके का फॉर्म में आ गया ना। सो डेल ऑफ माइनस टी इज इक्वल्स टू सर डेल ऑफ टी सर, तो ये माइनस रिमूव हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। सो डेल ऑफ टाओ माइनस टी माइनस ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कैन वी राइट इट, कैन वी राइट इट, कैन वी राइट इट लाइक दिस, हाँ सर। सो ये फंक्शन इज इक्वल्स टू दिस हो सकता है, हो सकता है। डेल ऑफ टी माइनस टाओ माइनस ए इज इक्वल्स टू टाओ माइनस टाओ टी माइनस ए हो सकता है, हो सकता है सर, हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं डेल ऑफ टाओ माइनस टी माइनस ए। क्लियर, क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है माय डियर फ्रेंड, बहुत बहुत कंफ्यूजन करता है बच्चों पे। तो यहाँ पे एफ ऑफ टाओ माइनस ए, ये तो अपना चिंदिसा यहाँ पे है, खुश है वहाँ पे। तो इनटू डी टाओ को डी टाओ है और यहाँ पे इंटीग्रेशन है। नाउ लिसन टू दिस केयरफुली, एनी फंक्शन इज मल्टीप्लाइड विथ डेल ऑफ टाओ माइनस दिस। सो ये वही फॉर्मेट में आ गया, टाओ माइनस समथिंग, टाओ माइनस समथिंग, टाओ माइनस समथिंग। तो मैं यहाँ पे टाओ के जगह पे, टाओ के जगह पे ये कांस्टेंट वैल्यू ग्रीन कलर का वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ, हाँ सर कर सकते हो सर। तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी माइनस ए मैं लिख लेता हूँ सर, उसको ग्रीन में लिखिए ना सर, एफ ऑफ टी माइनस ए, हाँ, और ये माइनस ए को माइनस ए रहा सर, हाँ समझ गए, डेल ऑफ टी माइनस टी माइनस ए। ये तो अपना उसका दुनिया है और इसका ऐसे इंटीग्रेशन है और ये इंटीग्रेशन होके ये वन हो जाएगा। ये अंडरस्टैंड दिस, ये इंटीग्रेशन आप इसमें ले लो, डेल टी डी टी इसका इंटीग्रेशन वन हो जाएगा। आंसर हमको ये मिलेगा। आंसर क्या है, एफ ऑफ टी माइनस टू ए। सर ये क्या हो गया सर, हाँ दैट मीन्स एफ ऑफ टी माइनस ए कन्वल्यूशन डेल ऑफ टी माइनस ए, इट विल गिव यू एफ ऑफ t minus whatever the value here a sir, whatever the value here plus a sir, हाँ ये इनका समेशन दे देगा, that means ये दे देगा 2a। क्या सर ये तो चमत्कार दिख रहा है मुझे, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्या होगा सर, f of t minus a plus b सर, एब्सोल्यूट करेक्ट। याद रखना ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट में है ये। क्लियर सर, मैं और एक मुझे डाउट आया सर, हाँ बताओ सर, टी प्लस ए, हाँ कन्वल्यूशन, हाँ डेल ऑफ टी माइनस ए, ये क्या होगा सर, सिंपल है, आप इसको तोड़ के लिख सकते हो, एफ ऑफ टी माइनस माइनस ए लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं सर, कन्वल्यूशन डेल ऑफ टी माइनस ए लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं सर। तो सर ये क्या हो जाएगा सर, तो आंसर में एफ ऑफ टी माइनस ब्रैकेट में ये प्लस ये होना है ना, माइनस ए प्लस ए। सर क्या हो रहा है सर, एफ ऑफ टी माइनस जीरो एफ ऑफ टी, सर ये क्या हो गया सर, हाँ एफ ऑफ टी सर ऐसा हो गया, हाँ ऐसा हो गया। क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखो एफ ऑफ टी कन्वल्यूशन डेल ऑफ टी माइनस ए, ये कितना हो जाएगा सर मैं बताऊँ, हाँ बताओ, एफ ऑफ टी माइनस जीरो प्लस ए सर, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे टी माइनस जीरो है। सो एफ ऑफ टी माइनस ए। क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत कन्फ्यूजन होता है, प्लीज़ डू नॉट गेट इनटू द कन्फ्यूजन जोन। क्लियर सर, क्लियर है सर, बराबर क्लियर है सर। सो नाउ लेट्स सॉल्व कपल ऑफ क्वेश्चंस। लुक हियर, ही इज सेइंग 6 रेक्टेंगुलर ऑफ टी प्लस 4/2 का कन्वल्यूशन डेल ऑफ 3t से। सो इफ दिस कन्वल्यूशन का वैल्यू gt है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g ऑफ -4। तो gt पहले निकालते हैं बराबर। सो चलो gt equals to 6 into rectangular whatever the thing is here t plus 4/2 convolution, यहाँ पे डेल ऑफ 3t को लिख सकते हैं सर 1/3 इंटू डेल ऑफ t सर, वेरी गुड। नाउ लुक हियर, 1/3 को इधर ले आते, ये सब कांस्टेंट लोग हैं ना, 1/3 को यहाँ पे लाके डिवाइड करके 3/6 2 कर दिया हम लोगों ने, बिंदास। नाउ there is a function f of t which is convolution with del of t, आंसर क्या होगा सर, f of t, हाँ। So answer will be 2 into rectangular of t plus 4/2। क्लियर है, बिकॉज वी नो एफ ऑफ टी कन्वोल्यूशन डेल टी इज एफ ऑफ टी. Now this is the value of gt we got. What is he is asking g of minus 4 कितना होगा. g of minus 4 हमें कैसे पता करेंगे सर? अरे t के जगह पे minus 4 पुट करो. ओके सर, 2 इंटू रेक्टेंगुलर ऑफ माइनस 4 प्लस 4 बाई 2. सर ये तो जीरो हो रहा है ऊपर सर. हाँ जीरो कर दो सर, जीरो हो गया. 2 इंटू रेक्टेंगुलर ऑफ जीरो. सर रेक्टेंगुलर ऑफ जीरो कितना होता है सर? नहीं पता. अरे रेक्टेंगुलर फंक्शन का मैग्नीट्यूड 1 होता है, नहीं पता. हाँ सर, तो जीरो पे क्या वैल्यू हुआ? 1 हुआ सर. तो आंसर क्या होगा? 2 होगा सर. हाँ. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, लुक एट दिस क्वेश्चन. इस तरीके का क्वेश्चन आई थिंक कहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट से मैंने पढ़ा था. नो नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस थिंग. विल गेट इन टू अ डिटेल एनालिसिस ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. आपको मैंने इतना ट्रिक और इतना सिंपल मस्त मस्त मेथड बताऊँगा. ये तो सब छोटा मोटा बात है. ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत छोटा बात, ये सबको पता रहता है. बट एक्चुअल बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त कॉन्सेप्ट आपके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में है, विच इज एसोसिएटेड विद द कन्वोल्यूशन टेक्निक. सो प्लीज़ वॉच ऑल द वीडियो लेक्चर्स. तो वो सारे वीडियो लेक्चर्स में यहाँ पे बताऊँगा. बट बिफोर दैट, अगर आपका इस तरीके का एक सिंपल क्वेश्चन है, डोंट गेट इन टू डिटेल इन टू दिस. दिस वैल्यू इज एफ ऑफ टी इज गिवन एच ऑफ टी. एच ऑफ टी इज कन्वल्यूटिंग विथ डेल ऑफ टी माइनस वन. सो दिस कैन बी रिटन एज एच ऑफ टी कन्वल्यूशन विथ डेल ऑफ टी माइनस वन प्लस h ऑफ t कन्वल्यूशन विद डेल ऑफ t माइनस 3. हाँ सर लिख सकते हैं सर. तो ये कितना हो जाएगा सर? h ऑफ t माइनस 1 प्लस h ऑफ t माइनस 3 सर. खत्म. दैट्स इट. दैट्स द क्वेश्चन. सर ये बहुत सिंपल है सर. हाँ बहुत ही सिंपल है वो. अब ये वाला क्वेश्चन बोलो सर g ऑफ माइनस 1 इज. सर g ऑफ माइनस 1 निकालने के लिए हम इसका कन्वल्यूशन निकालना होगा सर. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो कितना होगा इसका कन्वल्यूशन सर? g ऑफ t विल बी द कन्वल्यूशन ऑफ दिस टू. कन्वल्यूशन विद दिस टू विल बी साइन पाई t माइनस 3 सर बाई 8. एब्सोल्युटली करेक्ट. साइन पाई 3 कर मत देना. करेक्ट. साई पाई 3 नहीं है, ये t माइनस 0 है और ये t माइनस 3 है. तो क्या हो जाएगा? t माइनस 0 प्लस 3. सो t माइनस 3. क्लियर है? क्लियर है कॉन्सेप्ट. नाउ g ऑफ माइनस 1 विल बी साइन ऑफ पाई माइनस 1 माइनस 3 बाई 8. आप निकालो इसमें कितना होगा आंसर. इट्स ऑन यू. अरे निकाल देता हूँ. साइन माइनस 4 बाई 8 पाई इंटू माइनस 4 बाई 8 कितना हो जाएगा? माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2. सो व्हाट इज साइन माइनस पाई बाई 2 माइनस ऑफ साइन पाई बाई 2. सो साइन 90 कितना है? आप निकाल के इसको आंसर निकालो, मैं नहीं बताऊंगा. लुक एट दिस क्वेश्चन, लुक एट दिस क्वेश्चन. दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन. I want you to find it out. It's a triangular function. Triangle मतलब triangular function है. So del of t minus 2 मतलब x of t is equals to 8 into del of t minus 2 by 4. The convolution of these two ना t minus 0 f of t minus 0 convolution del of t minus 2. So answer will be f of t minus 0 plus 2. Yes or no? yes or no. हाँ सर. तो f of t minus 2. so this is why f of t minus 2. now x of 1 will be 8 of del of minus 1 by 4. so you know del of t का formula 8 into 1 minus 1 by 4 which will be 6. 1 by 4 का mod which will be 6. Okay, thank you so much for watching this video lecture. It is very important for you. We are getting into advanced zone. We are getting into advanced discussion of convolution. I don't want you to miss a single video lecture from here. Okay, so please watch each and every video lecture and get into the advanced discussion of convolution. Okay, thank you so much for watching. See you in the next video lecture. Till then, bye.